230 वैक्सीन की जगह कम लगने पर लोगों का हुआ हंगामा, पुलिस ने झाड़ा पल्ला, मेडिकल स्टाफ हुआ नाराज। मामला रघुविहार दुर्गापुरा का है, जहां पर पार्षद जय वशिष्ठ के पास सूचना मिली कि 230 वैक्सीन आई हैं। सूचना के आधार पर लोगों वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे, मगर 30-40 लोग बाकी रह गए और स्टाफ ने वैक्सीन खत्म होने की बात कही। लोगों ने स्थानीय पार्षद जय वशिष्ठ को फ़ोन पर बताया कि अभी 30-40 लोग बाकी हैं और वैक्सीन ख़त्म हो गई है। पार्षद ने बताया कि CMHO को फ़ोन किया मगर जवाब नहीं मिला। वहां पर लोग भड़क उठे, कलेक्टर तक बात पहुंची। पार्षद ने कहा कि पब्लिक ने होने वाली गड़बड़ी का भंडाफोड़ किया। एक बड़ा बहुत बड़ा घोटाला सामने आया कि मुझे सुबह बताया गया कि 230 डोज हमारे पास आई है। मैंने मेरे ग्रुप के माध्यम से मेरे वार्डवासियों को मैसेज के माध्यम से बता दिया कि 230 डोज आई हुई है, आप लगवा सकते हैं। 12:15 डिस्पेंसरी वालों ने मुझे सूचना दी कि डोज ख़त्म हो गया और मैंने मैसेज भी डाल दिया वार्डवासियों को, डोज ख़त्म हो गया। इस पर मेरे वार्डवासियों ने मुझे बताया कि अभी भी 30-40 लोगों की डोज बची है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और इन लोगों ने ये डोज छुपा ली है। वो किस उद्देश्य से उन लोगों ने वो डोज छुपाई, इसके लिए मैंने उनसे पूछा और पूछने के बाद उन्होंने कहा हमने डिस्पेंसरी से दूसरे डिस्पेंसरी में ये डोज भेज दी। वार्डवासियों की अपील पर मैं वहाँ पहुँचा, मैंने जब देखा कि 30 डोज उन्होंने गायब कर दी है, तब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर अतिथि सिंह है वहाँ प्रभारी, उनसे पूछा तो उन्होंने गुस्से में जवाब दिया और एटीट्यूड में बोला मैं पुलिस बुला लूँगी। उसी टाइम शक होने लगा कि कोई ना कोई दाल में काला है और घोटाले की बू आने लगी। वहाँ पुलिस आई, पुलिस में हमने भी सुप्रभात थाना इंचार्ज महावीर सिंह जी को सूचना दी। उन्होंने कहा ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, CMHO से आप बात करें। हमने CMHO में संपर्क करने की कोशिश करी, वहाँ संपर्क हो नहीं पाया। हमने जिला कलेक्टर महोदय से फ़ोन पर बात करी, हमने चिकित्सा मंत्री महोदय रघु शर्मा जी को यहाँ फ़ोन किया, उनके PA से बात हुई, हमने वहाँ पर भी नोट कराया, हमने CM पोर्टल पे भी इसकी शिकायत दी है, 1081 पे भी हमने कंप्लेन नोट कराई है। उसके बाद पुलिस वहाँ आई, हमने पुलिस से भी निवेदन किया कि आप इसकी जाँच करें, आप देखें, लेकिन वहाँ जाँच नहीं करेगी और हमें कहा गया घंटे भर में वापस डोर लगा दी जाएगी। ऐसी स्थिति में पब्लिक में काफ़ी रोष था, पब्लिक ने काफ़ी दबाव बनाया और दबाव के बाद स्थिति ये रही कि आधे घंटे बाद ही जहाँ 30 डोज लगने वाली थी 110 डोज उसके बाद लगी, मतलब 230 की जगह हमारे आज रघुविहार डिस्पेंसरी में 310 डोज लगाई। इससे साफ जाहिर होता है या तो इन लोगों ने स्टॉक कर रखा है या ये वैक्सीन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये या तो कालाबाजारी कर रहे हैं इसकी, या ये वैक्सीन को इधर उधर कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से, CMHO से और जिला प्रशासन से और विभाग से ये आग्रह करना चाहता हूँ, इस कोरोना काल में इस महामारी को देखते हुए मानवता का परिचय दें डॉक्टर को।